अगर अभी तक आपने गुल्ली बुली, इविल रॉड और मम्मी का पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसे देख लें, नहीं तो ये आपको स्टोरी पूरी अच्छी तरह से समझ में नहीं आने वाली है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गुल्ली बुली सॉन बाबा के साथ मिलकर जंगल में घूमने जाने वाले होते हैं, लेकिन बाबा को काफी देर हो जाता है। अभी गुल्ली बोलता है, अगर बाबा और लेट करेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। तब तक बाबा अपने ड्रैगन पे बैठकर वहां आ जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं, जल्द से जल्द बैठ जाओ, रात होने वाली है और मैं तुम लोगों को आज एक ऐतिहासिक जगह पे ले चलने वाला हूं। फिर वो लोग ड्रैगन पे बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर वो लोग जंगलों के बीच में एक गाँव होता है, वहां पहुंच जाते हैं और बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली सॉन, ये मेरा गाँव है। फिर गुल्ली बुल्ली सॉन और बाबा वहां पर डांस करने लगते हैं। डांस करने के बीच में ही मम्मी सॉन को लेके गायब हो जाती है और फिर ये लोग परेशान हो जाते हैं। फिर मम्मी आके कहती है, क्या बात है, लगता है मुझे काफी शिकार आज मिल गया है। ना कहने के बाद मम्मी वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर बाबा गुल्ली बुल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो सॉन को कैसे बचाएं। लेकिन तभी बाबा गुल्ली बुल्ली से बोलते हैं, गुल्ली बुल्ली, मैंने जब तुम लोगों को यहाँ पे लाया था तभी मैंने मना कर दिया था कि कुछ भी छूना मत और इधर उधर जाने की कोशिश मत करना, लेकिन सॉन ने मेरी बात नहीं मानी और वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि सॉन को मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि ये मम्मी भी पता नहीं किधर चली जा रही है। अभी तो यही थी, फिर गायब हो गई। तो सबसे पहले हमें मम्मी का पता लगाना होगा और मम्मी को मार के ही सॉन को हम बचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। फिर गुल्ली बोलता है, बाबा आप हमारी फिक्र मत करिए, अब हम दोनों आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन अब हम आपके साथ ही रहेंगे और उस मम्मी को भी हम साथ मिलकर हरा देंगे। बाबा हंसने लगते हैं और कहते हैं, गुल्ली बुल्ली, मेरे होते हुए तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा, क्योंकि वो मेरे से जीतेगी तब तो कुछ कर पाएगी, मैं तो उसको यूं मार दूंगा। फिर बाबा ड्रैगन से बोलते हैं, ड्रैगन अब तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं जैसे तुम्हें बुलाऊं उसी समय तुम यहाँ पर आ जाना और हमें यहाँ से लेके चल चलना। फिर ड्रैगन अपना सर हिलाता है और बाबा को प्रणाम करके वहाँ से निकल जाता है। पहले मुझे उसका पता लगाने दो और मुझे अब ध्यान में जाने दो, कुछ देर के लिए मैं एक ध्यान में जाने वाला हूँ जिससे कि मैं पता लगाऊं कि मम्मी है कहाँ पर और फिर हम वहाँ जाकर मम्मी को मार भगाएंगे। फिर बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और एक गहरी ध्यान में चले जाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि मम्मी कहाँ है और वो सॉन को लेके कहाँ गई है। बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, गुल्ली बुल्ली, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मम्मी और कहीं नहीं, यहीं पर है, वो यहीं पर आसपास भटक रही है मुझे मारने के लिए। तो अब तुम लोग तैयार हो जाओ क्योंकि मम्मी कुछ देर में यहीं आने वाली है। तो क्या तुम लोग तैयार हो, बुल्ली बोलता है, हाँ बाबा हम तैयार हैं। फिर थोड़ी देर बीतने के बाद मम्मी वहां पर आ जाती है और कहती है, क्या हाल है बाबा, थक गए क्या मेरा इंतजार करते करते। बाबा बोलते हैं, हा, लगता है तुम्हें अब बताना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरी शक्तियाँ क्या कर सकती हैं। फिर बाबा जैसे ही हमला करने के लिए तैयार होते हैं, पीछे से इविल रॉड आकर बाबा को बहुत ही जोरदार मार देता है और बाबा वहीं पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर इविल रॉड कहता है, क्या मम्मी इन्हीं को मारने की बात कर रही थी, ये तो एक फटके में मर गया, अब क्या करें, मुझे तो लगा था ये काफी तगड़ा होगा और इससे लड़ाई करके मजा आ जाएगा, बट ये तो बहुत ही कमजोर निकला। फिर गुल्ली बुल्ली काफी डर जाते हैं और बुल्ली बोलता है, हम लोगों को जाने दो और बाबा को भी यहाँ से जाने दो, क्योंकि अगर बाबा उठ गए तो तुम लोगों को जिंदा खा जाएंगे। बुल्ली की ये बात सुनकर मम्मी और इविल रॉड हंसने लगते हैं और कहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल के बच्चों को हुआ क्या है, ताकत तो थोड़ी सी भी नहीं है और हमसे लड़ने की बात करते हैं। मम्मी सबसे पहले अभी इन दोनों को मारो, क्योंकि ये दोनों बहुत ही बकबक कर रहे हैं और तुम्हें पता है कि अगर मैं किसी की बकबक सुनता हूँ तो मेरा सर चकरा जाता है और मैं उसे और ज्यादा जिंदा देख नहीं पाता हूँ, तो सबसे पहले इन दोनों को मार दो। फिर मम्मी कहती है, नहीं नहीं इविल रॉड, रुक जाओ, पहले इन दोनों को अपना किला तो दिखा दे, क्योंकि इन लोगों को पता भी तो चले कि काली शक्तियाँ क्या हैं। फिर मम्मी अपनी काली शक्तियों से अपने पाताल लोक को
धरती से बाहर निकालती है और कहती है, यह है मेरा किला और अब तुम लोग मेरे बंदी हो। तो अब आपको क्या लगता है कि गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन मम्मी और इविल रॉड के हाथों से मरने से बच पाएंगे या नहीं, या इसी किले में वो लोग हरदम के लिए यहीं पर बंदी बनकर रह जाएंगे? ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड बाय बाय एंड टेक केयर।